कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ पीछे गोसाइन करी चरण वंदन गावे ते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पार्षद जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शक श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शक श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सफरी का शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त सपार्श सफरी का श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जयुक्त उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु पूज्यपाद दामोदर महाराज पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज हमारे श्रीपाद जीत प्रभु अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि में सम्मिलित श्रोत मंडली श्रद्धालु मंडली सबके चरणों में मेरा यथाजोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बहुत विशेष दिन है। हम लोगों ने इस तिथि को वरण करने के लिए जो ये शूद्र सी चेष्टा है हमारी पूज्यपाद महाराज जी उससे संतुष्ट हो प्रसन्न हो सर्वप्रथम यही उनके चरणों में प्रार्थना है। आज शयन एकादशी है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने इसको शिराब्दी महोत्सव बतलाया है। ये शिराब्दी महोत्सव है। आज के दिन श्री हरि का शयन होगा। श्री सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास में इसको शिराब्दी महोत्सव बतलाते हैं। इस शिराब्दी महोत्सव को लक्ष्य करके हमारे पूज्यपाद महाराज जी इस जगत में आविर्भूत हुए। उनकी महिमा को आप लोगों ने विभिन्न वैष्णवों के मुख से सुना है। समय का अभाव है, मैं बस कुछ एक बातें जो स्मरण हो रही हैं वैष्णवों के मुख से सुनकर उनको चरवित चरवण करने की थोड़ी सी चेष्टा कर रहा हूँ, उसी से ही वो संतुष्ट हो जाए। विशेष करके पूर्ववर्ती वक्ताओं के मुख से ये कृपा पात्रता इस बात को सुन करके हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो जिस प्रकार से इस कृपा पात्रता की व्याख्या करते थे वो बातें बहुत सारी मन में हम लोगों ने हमारे गुरु महाराज जी के मुख से सुना है। श्रीश्वर पुरीपाद जी ने और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ईश्वरपुरीपाद जी ने माधवेंद्रपुरीपाद जी की सेवा की। माधवेंद्रपुरीपाद जी ने अप्रकट होने से पहले ईश्वरपुरीपाद जी को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद जी का आश्रय ग्रहण करने की लीला गुरु महाराज जी कहा करते थे ये कृपा पात्रता के लक्षण है। सेवा वस्तु ने आपकी सेवा को जब स्वीकार किया तो सेव्य वस्तु का भजन आदर्श आपके साधक जीवन में भी अवश्य ही किसी ना किसी रूप में प्रतिफलित होगा। ऐसा हो नहीं सकता, गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, हमने सेव्य वस्तु की सेवा की है, सेव्य वस्तु ने हमारी सेवा को ग्रहण किया है और उनका भजन आदर्श हमारे जीवन में ना दिखलाई दे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं, कैसे प्रमाणित होगा। श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने मुख से कहा कभी कि मैं महाप्रभु जी का कृपा पात्र हूँ? सनातन गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा कभी। सनातन गोस्वामी जी का आदर्श क्या था? वो गए जगन्नाथपुरी में और महाप्रभु जी मार्ग में गए
झारखंड के जंगलों से स्थान स्थान पे कुंड कुंड का जल पी लिया। उससे क्या हुआ, शरीर में कंडू रोग हो गया, शरीर से फीव निकलता है सब समय। सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में पहुंचे, महाप्रभु जी देखकर आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी जी दौड़ते हैं, ते वो कहे प्रभु ना छुई हो मोरे, मुझको मत छुओ। क्यों ना छुए, हमारे शरीर से फीव निकलता है, आपके शरीर में लग जाता, मन को कष्ट होता, हमको मत छुओ, बस यही कारण है ना प्रभु। एक नीच जाति यार अधम पतित, एक तो नीच जाति हूँ, ऊपर से अधम पतित हूँ, ऊपर से मरे लोगों का संग करता हूँ, मुझको मत छुओ, मुझको मत छुओ, पीछे भाग रहे हैं। एक दो बार ये प्रसंग नहीं आया, आप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र देखिए, चार पांच बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस चरित्र को उठाया। महाप्रभु प्रतिदिन सिद्ध बकुल में जाते हैं, बलपूर्वक श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं, बलपूर्वक आलिंगन करते, सनातन गोस्वामी जी दौड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं मत छुइए मत छुइए। सनातन गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा मैं कृपा पात्र हूं। महाप्रभु जी पिंडा के ऊपर में बैठते हैं कुछ अपने भक्तों को लेकर, सनातन गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर जी नीचे बैठते हैं, कहना नहीं पड़ा उनको, कभी कहना नहीं पड़ा कि आपको नीचे बैठना है ना ऊपर बैठना है, वो स्वाभाविक रूप में नीचे बैठ जाते हैं। महाप्रभु जी ने उनको एक दिन निमंत्रण दिया, और उससे पहले जगदानंद पंडित जी से सनातन गोस्वामी जी ने परामर्श किया, हमारा तो ये शरीर इसमें कंडू रोग हो गया, ये तो किसी काम में लगेगा नहीं, महाप्रभु जी की सेवा में ये तो लगेगा नहीं, ये तो क्या करेंगे। मन में विचार किया जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, रथ के नीचे आकर शरीर छोड़ देंगे, रथ के नीचे आकर शरीर छोड़ देंगे। जगदानंद पंडित जी से उन्होंने परामर्श किया, जगदानंद पंडित जी ने कहा आप तो वृंदावन चले जाओ, यहाँ पर मत रहो, आप महाप्रभु जी तो आपको आलिंगन करेंगे, वो तो सेवक वत्सल है, भक्त वत्सल है, आपका कर्तव्य आप वृंदावन चले जाओ। उन्होंने महाप्रभु जी से कह दिया, प्रभु मैंने सनातन गोस्वामी जी से भी मैंने प्रश्न किया, परामर्श किया, उन्होंने भी मुझको परामर्श दिया वृंदावन जाने का। महाप्रभु क्या कहते हैं, कालिकार जगह कालिकार भटुआ जगह ऐसे कर गई लो तुमा सभा कार्य उपदेश करते लागू, ये कल का बच्चा जगा, ये इतना गर्वी हो गया, इतना गर्वित हो गया, तुमको भी उपदेश करने लगा। अरे व्यावारे परमार्थ में तुम ही आमार उपदेश ला, महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को कह रहे, व्यवहार में परमार्थ में तुम तो मेरे भी उपदेषा हो, इतनी सनातन गोस्वामी जी की महिमा अपने मुख से तो नहीं कहा मैं कृपा पात्र हूं कभी। एक दिन महाप्रभु जी ने उनको निमंत्रण दे दिया परीक्षा करने के लिए, आज दोपहर को हमारे पास में प्रसाद पाना है। सनातन गोस्वामी जी इतने दिनहीन है, राजमार्ग से कभी नहीं जाते थे, क्यों, यहाँ पर तो ईश्वर के सेवक जगन्नाथ जी के सेवक को कहा ना जाना है, मेरा शरीर यदि उनसे स्पर्श हो गया, शरीर छोड़ दो मेरी छाया भी यदि उनसे कभी स्पर्श हो गई मेरा तो अपराध हो जाएगा। दोपहर का समय जेठ की गर्मी है, सूर्य देव अग्नि उगल रहे हैं, प्रचंड गर्मी है, और सनातन गोस्वामी जी समुद्र की बालुका से चलकर गए गंभीरा में, पांव में भोले हो गए। महाप्रभु जी ने देखकर पूछा कौन से मार्ग से आए, सनातन गोस्वामी जी कहते कौन से मार्ग से आना था, समुद्र के मार्ग से आए, अरे राजमार्ग से क्यों नहीं आए, अरे प्रभु राजमार्ग पर तो ईश्वर के सेवक चलते हैं मेरा तो अपराध हो जाएगा। महाप्रभु ने सुनकर आलिंगन लगा लिया, पूछा कष्ट हुआ, अरे इतनी गर्मी में आए हो, बालुका तो जल रही है, अग्नि के समान तप्त है, कष्ट हुआ, सनातन गोस्वामी जी कहते ना कष्ट बहु ना हुई लो, अभी कष्ट नहीं हुआ प्रभु। सनातन गोस्वामी जी तो नहीं कहा, अब तो महाप्रभु जी ने स्टैंप लगा दिया, हम तो कृपा पात्र हो गए, अब स्टैंप लगा दिया कृपा पात्र हो गए, अब तो हम राजमार्ग से चले जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कहा सनातन गोस्वामी, किंतु कृपा पात्र है, इसका निर्णय किसने दिया, वही जगदानंद पंडित जी जब वृंदावन में चले गए, सनातन गोस्वामी जी एक मुकुंद सरस्वती नाम के सन्यासी ने लाल कपड़ा दे दिया, सनातन गोस्वामी जी पहन करके आ गए। जगदानंद पंडित जी ने पूछा रे ये तो महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र पहन कर आए, बड़े आनंद की बात। सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, नहीं ये तो महाप्रभु जी का प्रसादी नहीं है, किसका है, मुकुंद सरस्वती का। जगदानंद पंडित जी ने उस दिन निमंत्रण दिया था सनातन गोस्वामी जी को अपने घर में, और भात बना रहे थे चावल, उसी हांडी को लेकर मारने चले गए, क्यों मारने चले गए, जगदानंद पंडित जी स्टैंप लगा रहे, तुम्हें हो प्रभु रे पार्षद प्रधान, तुम महाप्रभु के पार्षद प्रधान हो, किसने स्टैंप लगा दिया, किसने स्टैंप लगा दिया, जगदानंद पंडित जी स्टैंप लगा रहे, महाप्रभु स्टैंप लगा रहे। सनातन गोस्वामी जी का आदर्श क्या है, गुरु महाराज जी बता रहे कथा, यदि सेव्य वस्तु की सेवा की है तो सेव्य वस्तु का भजन आदर्श वो जीवन में प्रतिफलित होगा ही होगा, हो नहीं सकता हमने सेवा की है और उनका आदर्श हमारे जीवन में प्रतिफलित ना हो। हम लोग जिन महापुरुष की तिथि को पालन कर रहे हैं उनका क्या भजन आदर्श था,
उन्होंने अपना परिचय दिया, सुन रहे थे ना अभी, एक परिचय दिया उन्होंने अपना। वर्ष 2017 में उनकी अंतिम व्यास पूजा हुई थी। अंतिम व्यास पूजा माने उनके प्रकट काल में, हमारे चरम चक्षुओं के सामने जब तक वो प्रकट थे, उनकी अंतिम प्रकट कालीन व्यास पूजा के समय में उन्होंने कुछ हरि कथा कही थी, जो उस समय में उपस्थित थे उनको स्मरण होगा, प्रकाशित भी हुई है पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में। उस हरि कथा में उन्होंने अपना परिचय दिया, जिस प्रकार से वो व्यास आसन पर बैठे, व्यास आसन पर बैठने का कारण बतलाया। अब उसको तो कहने का समय नहीं है, सुनने की तो बातें यही है, वास्तव में सुनने की तो बातें यही है जिस आदर्श की हम बात कर रहे हैं। किंतु उन्होंने एक पंक्ति कही उसमें, एक पंक्ति अपने गुरु पादपद्म शिला भक्ति दही माधव गोस्वामी महाराज जी को स्मरण करते हुए शिला महाराज जी ने एक वचन कहे, उन्हीं की शिक्षाओं में शिक्षित और उन्हीं के आदर्श को सर्वोत्तम मानने वाला मैं। ये बात जब सुनी तब से लेकर आज तक कानों में ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है और बार 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 प्रश्न चिन्ह उठाती है, बार 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 बार। हम तो आदर्श पर चर्चा करने बैठे हैं ना, दिन उपस्थित हुआ है आदर्श पर चर्चा करने का। हमने 10 वर्ष पूर्व एक बात सुनी थी, हमने 20 वर्ष पूर्व एक बात सुनी थी। प्रश्न ये है, यदि मैं साधक हूँ कि 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष पूर्व सुनकर के भी मेरे जीवन में वो प्रतिफलित कितनी हुई है, मेरे जीवन में कितनी प्रतिफलित हुई है, ये मन बार 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 मन में उठ रही है, ये प्रश्न उठ रहा है मन में, कितना प्रतिफलित हुआ मेरे जीवन में, मैं वास्तव में वंचित हुआ हूँ या मैं वास्तव में कृपा पात्र हूँ, इसका निर्णय मैं स्वयं कर सकता हूँ, मैं तो स्वयं नहीं कर सकता। जब कीर्तन आरंभ हुआ, एक प्रभु कीर्तन गा रहे थे, श्री कृष्ण विरहे, क्या है, श्री राधिकार दशा, नहीं दूसरा कीर्तन गा रहे थे, श्री कृष्ण के विरह को मैं स्मरण सहन नहीं कर पा रहा हूँ, प्राण छाड़ी प्यार दिन दुई चारी, कीर्तन सुन रहे मन में आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी तो अपने हृदय की अवस्था को ही लिख रहे हैं, ऐसा है, वो तो कुछ भिन्न नहीं लिख रहे, महाजन के शब्द और महाजन का आचरण वो तो कभी पृथक नहीं हो सकता, हमारे शब्द पृथक होते हैं, हमारा आचरण पृथक है, महाजन के तो वचन, महाजन का आदर्श, उनका तो सब कुछ एक ही होता है। श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के विषय में एक बात गुरु महाराज जी के मुख से सुनी थी, वो जिस बात को एकांत में किसी के साथ कक्ष में कहते थे उसी बात को भरी सभा में कह सकते थे, कोई भेद नहीं था उनकी बातों में। शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के विषय गुरु महाराज जी कह रहे, तो साधु का आचरण, साधु के वचन, इसमें तो कोई भेद नहीं हो सकता, ये तो एक ही रहेगा सदा, इसमें तो कोई भेद नहीं हो सकता। कहने के समय में एक आदर्श है, एक बात है, करने के समय में एक बात, ये तो वास्तव साधु के जीवन में कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जब महाराज जी अपना परिचय दे रहे हैं तो बार 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 मन में ये बात आ रही, मेरे जीवन में जिन बातों को मैं कह भी रहा हूँ, दोहरा भी रहा हूँ, उनका अनुकीर्तन भी कर रहा हूँ, कितने परिमाण में प्रतिफलित हुई है, कितने परिमाण में प्रतिफलित हुई है। जैव धर्म में एक प्रसंग आता, नित्यानंद प्रभु, एक नित्यानंद नाम के भक्त थे, वो गए बाबा जी महाराज के पास और उनसे पूछ रहे हैं, मेरा अधिकार निर्णय कर दीजिए, हमारी ऐसी अवस्था है, हमारा अधिकार निर्णय कौन करेगा, कौन करेगा अधिकार निर्णय। तो ये प्रश्न उठ रहे मन में बार बार, इतने इन आदर्शों को कितना ले पाए हम, मैं कितना ले पाया इन आदर्शों को, कह तो मैं भी रहा हूँ इन आदर्शों को। फिर मन में ये भी विचार आता, कहते 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 ही वो कीर्तन करते हैं ना, तुम्हारे गुण गाते गाते तेरे ही गुण गाए गाए में तेरी ही, ऐसा ही कुछ हो जाए जाते जीवन में। तो हम आदर्श पर चर्चा करने बैठे, उनका क्या आदर्श था, उन्होंने परिचय दिया है, श्री माधव गोस्वामी महाराज जी को स्मरण करके कह रहे हैं, उन्हीं की शिक्षाओं में शिक्षित, उन्हीं के आदर्श को सर्वोत्तम मानने वाला मैं। तो क्या ये उनके शब्द थे बस, क्या ये उनके शब्द थे, महाजन के शब्द और महाजन का आदर्श, ये तो भिन्न नहीं हो सकता, ये उनके शब्द नहीं थे, ये सारा जीवन उन्होंने अपने गुरु पाद पद्म के आदर्श को दिया था। श्री माधव गोस्वामी महाराज जी का क्या आदर्श था, हमने कितनी बार सुना है, कितनी बार, क्या आदर्श था उनका, He never shows any kind of commercial interest in his whole life except spiritual benefits. किसी भी प्रकार के commercial interest को उन्होंने कदापि प्रश्न नहीं दिया, केवल बस कोई commercial interest किसी प्रकार से भी उनके जीवन में कदापि दृश्यमान नहीं हुआ, ये आदर्श था श्री माधव गोस्वामी महाराज जी। और महाराज जी के जीवन के जिन आचरणों को हम देख रहे हैं, कितनी साधारण साधारण से दिखने वाली बात है, किंतु मैं देखता हूँ हमारे पक्ष में उनके लिए बड़ी साधारण है, बड़ी साधारण हमारे पक्ष में, उनके द्वारा जो साधारण सी वस्तु जिसको वो कोई गुरु भी नहीं देते, पर हमारी स्थिति क्या है, उनकी एक उनके गुरु भाई थे, हमने सुना है मधुमंगल प्रभु जी बांग्लादेश के थे, उन्होंने दुकान और भूमि महाराज जी के नाम पर कर दी,
है ना, सुनते ना कितनी बार ग्रंथों में भी प्रकाशित हुआ, महाराज जी के नाम पर भूमि और दुकान दोनों कर दी। और उन्होंने उस भूमि और दुकान का क्या करना है ये बताने से पहले शरीर छोड़ दिया, महाराज जी के नाम से भूमि और दुकान दोनों कर दी और बतलाया नहीं कि क्या करना है इसका, सुरक्षा के लिए महाराज जी के पास में रख दी, शरीर छोड़ दिया। उनके गुरु भाई, उनके भाई आए पूर्वाश्रम से, मधुमंगल प्रभु के भाई, और वो उस भूमि और दुकान पर अपना अधिकार जतलाने लग गए, ये तो भूमि और दुकान हमारी। महाराज जी ने भूमि दुकान उनके नाम पर कर दी। मठों के लोगों ने पूछा उनसे, अरे इस भूमि और दुकान से तो मठ की सेवा हो जाती। महाराज जी ने उत्तर दिया, क्या किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि किसी अनुचित उपाय से सर्व ऐश्वर्यशाली कृष्ण और सर्व लक्ष्मी राधा जी की सेवा करना उचित है? क्या किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है किसी अनुचित उपाय से राधा कृष्ण की सेवा करने से मेरा कुछ पारमार्थिक मंगल होगा? किसी शास्त्र में लिखा है ऐसे? मैंने कभी ये शिक्षा ग्रहण नहीं की कि किसी की इच्छा के विरुद्ध, किसी की इच्छा के बिना उसकी वस्तु को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। ये शिक्षा मैंने कभी ग्रहण नहीं की। He never shows any kind of commercial interest in his whole life except spiritual benefits. Shri Madhav Goswami Maharaj ji ka adarsh dekhiye, jo sun rahe na, granthon mein likha to mil jayega, karne wale kahan milenge? Isliye Bhakt Bhagwat ka granth Bhagwat se adhik vaishishtya batlaya gaya. Granth Bhagwat to keval likha hua hai, are likhe dikhe hue ko to lakhon log padh rahe hain, लाखों लोग भागवत सत्ता कर रहे हैं। उस भागवत की शिक्षाओं को कोई जीवंत करके दिखला दे, ऐसे साधु का भाव है। ऐसे साधु के विषय में कहा गया कोटीश्वर जी महामुने, ऐसा साधु कोटि कोटि है, महामुनो महामुनि जो लोग हैं उनमें ऐसा साधु बड़ा दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ, जो शास्त्र में लिखी बात को आचरण करके दिखला दे। कलकत्ता में रहने वाली एक बड़ी श्रद्धालु महिला थी, उन्होंने एफडी कर दी महाराज जी के नाम पर, महाराज जी के नाम पर एफडी कर दी, शरीर छोड़ दिया, एफडी के पैसे को निकाला, उससे कलकत्ता मठ में उत्सव कर दिया, जितना पैसा बचा था उनके पुत्र को बुला करके वो पैसा वापस दे दिया। मैंने उनके पारमार्थिक मंगल के लिए, महाराज जी कहते उनके पुत्र से, मैंने उनके पारमार्थिक मंगल के लिए जो हो सकता था हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर दी। इस अवशिष्ट धन में आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उठा करके वापस दे दिया वो धन, कोई आवश्यकता नहीं है उस धन में आसक्त होने की किसी प्रकार से। He never shows any kind of commercial interest in his whole life except spiritual benefit. इसको कहते हैं कृपा पात्रता। सेव्य वस्तु की सेवा की है, सेव्य वस्तु ने सेवा को ग्रहण किया, इसमें भी गुरु महाराज जी कहा करते थे परम गुरु जी के विचार को। हम अपने मुख से तो बहुत कहते हैं हमने सेवा की, हमने सेवा की, हमने सेवा की, बात है उन्होंने सेवा को ग्रहण किया है अथवा नहीं। हमने तो भोग लगा दिया अपने ओर से कृष्ण को, कृष्ण ने ग्रहण कर लिया उस भोजन को, उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। हमने तो गुरु जी का चरण चापन कर दिया, हमने तो गुरु जी का वस्त्र धो दिया, गुरु जी का भजन पूजी का मार्जन कर दिया, गुरु जी ने उस सेवा को ग्रहण कर लिया। यदि वास्तव में गुरु पाद पद्म ने, सेवा वस्तु ने उस सेवा को ग्रहण किया है, तब तो ऐसा हो नहीं सकता कि सेव्य वस्तु का जो भजन आदर्श है वो हमारे जीवन में परिलक्षित ना हो। और यही कृपा पात्रता का लक्षण है। जो वास्तव में कृपा पात्र हैं, कभी कहना नहीं पड़ेगा, कभी कहना नहीं पड़ेगा हम कृपा पात्र हैं, कभी कहना नहीं पड़ेगा हमको उनकी कृपा प्राप्त हुई। हाँ, गुरु महाराज इस विषय में एक बात कहा करते, एक बात अवश्य कहा करते, इसको भी स्मरण रख लेना है। गुरु महाराज जी कहा करते थे, हम ये कह सकते हैं कभी साधारण रूप में व्यक्ति कहते हैं ना, हम अपने मुख से भी कहते हैं हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, ये बात ठीक है? हमारे हृदय में भक्ति है कि नहीं है? है भक्ति, हमारे पक्ष से हम कहें कि हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, किंतु गुरु महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे गुरु जी ने भक्ति का बीज दिया है कि नहीं दिया तुम्हारे हृदय में? तो जब गुरु जी ने भक्ति का बीज दिया है हृदय में, तुम अपने मुख से ये नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं है? हम अपने अनर्थों के कारण उस बीज को पल्लवित, पुष्पित, परिपोषित नहीं कर पा रहे, ये हमारा अनर्थ है, किंतु गुरुजी ने तो दिया भक्ति का बीज, गुरुजी ने तो दिया भक्ति का बीज। तो गुरु वैष्णव वो कदापि, यद्यपि वो वंचकों के वंचक हैं, श्री प्रभुपाद जी के विषय में कहा श्री श्रीधर गोस्वामी पाद महाराज जी ने, गति वंचित वंचक चिंत पदम, वो तो वंचकों के भी वंचक है, किंतु उनकी वंचना में भी किसी ना किसी रूप में उनकी कृपा ही छुपी हुई है। वो तो कर गए, वो तो दे गए। महाराज जी कहा करते थे गुरुपाद पद्म की संपत्ति क्या है? उनकी पारमार्थिक संपत्ति वास्तव में गुरुपाद पद्म की संपत्ति है। उनकी जो वास्तव में संपत्ति किसको कहेंगे? कौन कृपा पात्र है? कौन कृपा पात्र है? किस विचार से लक्ष्य किया जाएगा कौन कृपा पात्र है? अरे श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात, सुनने योग्य बात है साधन काल में। वो कहा करते थे आशुतोष घोष नाम के स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो लोग पुराने उन्होंने सुना होगा नाम, कलकत्ता के थे,
स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा उनका झोंकेदान था। अंग्रेजों की नाक में उन्होंने दम कर दिया और जाकर के छुप गए कहीं, छुप करके सारे कार्य करते थे। अब अंग्रेज उनको ढूंढ रहे हैं, कहां से ढूंढेंगे, वो तो इतने इतने चतुर हैं, इतने बुद्धिमान हैं, किसी के हाथ में आते नहीं, जाकर छुप गए कहीं से। और उनको ढूंढने का दायित्व दिया एक मिस्टर नॉर्टन के ऊपर। उस समय में कोई अंग्रेज पुलिस का सुपरिटेंडेंट होगा, मिस्टर नॉर्टन, उसको ढूंढने को बोला, ये आशुतोष घोष को ढूंढ करके लाओ कहीं से भी, यदि इसको ढूंढ करके नहीं पकड़ोगे ये सत्यानाश कर देगा, इतनी बड़ी मूवमेंट चला देगा, ढूंढ कर लाओ। वो ढूंढने लगे, कहीं किसी प्रकार से कोई चिन्ह नहीं मिल रहा। एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ दिया। किसने पढ़ा? मिस्टर नॉर्टन ने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल को पढ़कर झट से उस मैगजीन जहां से वो छपा था झट भेज दिया पुलिस वालों को, जाओ ढूंढ करके आओ ये मैगजीन कहां से छपती है। उन्होंने पूछा इसमें ऐसा क्या है, उसने कहा ये आशुतोष घोष की राइटिंग है, ऐसा आर्टिकल दूसरा कोई लिख नहीं सकता, ये आशुतोष घोष की राइटिंग है। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते कैसे पहचान दिया, कैसे पहचान दिया है? कैसे पहचान दिया उस लॉर्डर ने, ये आशुतोष घोष की हैंडराइटिंग है। जाओ आशुतोष घोष को यदि ढूंढना है उस मैगजीन के एडिटर के पास जाकर पूछो ये आर्टिकल कहां से मिला, कैसे पहचान दिया, नाम लिखा हुआ नहीं था, बिना नाम के केवल आर्टिकल उसकी भाषा को पढ़ करके देख करके जान गए ये तो आशुतोष घोष ने लिखा, जाओ ढूंढ करके आओ। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं यदि हम इतना समझ लें, केवल इतना समझ लें अपने साधन काल में व्हाट इज वेल और हु इज माय वेल विशर, यदि इतना सा समझ लेना मेरा मंगलकारी कौन है, मेरा मंगल किसमें है, मेरा मंगलकर्ता कौन है, तब तो गुरु की वाणी जहां पर भी कही जा रही है, गुरु का आदर्श जहां पर भी कहा जा रहा है, वहीं जाकर प्रणाम करेंगे, वहीं जाकर नतमस्तक हो जाएंगे। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते श्री प्रभुपाद जी छोटी छोटी चीजों में श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी को स्मरण किया करते थे। एक भागवत जनानंद प्रभु जी आए, तीन चार वर्ष मठ में रहे, शरीर छोड़ दिया, श्री प्रभुपाद जी क्रंदन करने लगे, ओ भक्तिविनोद ठाकुर हैज कम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ओ भक्तिविनोद ठाकुर जी आए थे मैं समझ नहीं सका। ये भागवत जनानंद प्रभु के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर जी मेरे सामने उपस्थित हुए, मैं समझ नहीं सका, मैं समझ नहीं सका, कैसे पहचान लिया, कैसे पहचान दिया। यदि सेव्य वस्तु की वास्तव में सेवा हुई है, यदि सेव्य वस्तु ने वास्तव में कृपा कृपा के पात्र हमको बना दिया है, अपनी कृपा का बीज हमारे हृदय में दे दिया है, सर्वत्र सेव्य वस्तु का प्रतिफलन दिखलाई देगा, सर्वत्र अथवा जिस किसी कोने में भी दिखलाई देगा, ये गुरु जी की वाणी है, ये गुरु जी का आदर्श। हमको तो समझ में ही नहीं आता, हमको तो समझ में नहीं आता क्या गुरु जी की वाणी है, क्या गुरु जी का आदर्श है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे भाई साधन काल में बड़ी गुरुत्वपूर्ण बात है, गुरु जी की सेवा करने तो आए ना, आदर्शों पर चर्चा कर रहे हैं हम, आदर्शों को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे इफ वी कैन फोर्स एवरीथिंग दैट स्टैंड अगेंस्ट माय गुरुस बिलवेड इंटरेस्ट वी विल बी अल्टीमेटली विक्टोरियस। जो कुछ भी मेरे गुरु पाद पद्म की रुचि के विपरीत है, यदि उसको थुत्कार की वस्तु जानकर त्याग कर दो, कनक कामनी प्रतिष्ठा कुछ भी, तब वी विल बी अल्टीमेटली विक्टोरियस, तब वास्तव में पारमार्थिक संपदा, तब वास्तव में पारमार्थिक सफलता को हम प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो पाएंगे, उपयुक्त हो पाएंगे, उपयुक्त पात्र हो पाएंगे। इसमें श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं वी मस्ट स्ट्राइव हार्ड, वी मस्ट स्ट्राइव हार्ड, बड़ा जटिल चेष्टा करनी पड़ेगी, बड़ी जटिल परिश्रम प्रयास करना पड़ेगा, किंतु प्रयास भी उचित दिशा में हो, ठीक दिशा में हो। गुरु पाद पद्म की जो कृपा प्राप्ति है, वास्तव में जो गुरु पाद पद्म का भजन आदर्श है, उसको प्राप्त करने की दिशा में हो, विपरीत दिशा में जाएंगे मिल जाएगा, लाख जन्म तक चेष्टा कर लो विपरीत दिशा में जाकर मिल जाएगा। श्री स्वामी महाराज जी कहा करते थे ठीक दिशा में चलो, बैलगाड़ी की गति से भी चलो, कभी तो पहुंच जाओगे, और वायुयान की गति से चल रहे हो, विपरीत दिशा में चल रहे हो, पहुंचोगे कभी, कहां पहुंचेंगे। इसलिए समझना पड़ेगा कृपा पात्रता क्या है, कृपा पात्र के लक्षण क्या है। इन महापुरुष ने थोड़े थोड़े से अपने जीवन के आदर्शों में दिखला दिया। शिला प्रभुपाद जी मठ स्वार्थ गृह स्वार्थ की बात कहा करते थे, कैसे कैसे वचन शिला प्रभुपाद जी ने, कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे आदर्श शिला प्रभुपाद जी स्थापित करके गए। और हम देख रहे हैं जीवंत महापुरुषों के जीवन में प्रभुपाद जी जो सब आदर्श बदला कर गए हैं, कैसे उन सब आदर्शों को अपने जीवन में जीवंत करके दिखला रहे हैं। इसलिए भाई यदि क्रंदन करना है ना, तो किसके लिए क्रंदन करेंगे, ग्रंथ भागवत के लिए कभी क्रंदन होता है, कभी देखा किसी गुरुवर को ग्रंथ भागवत के लिए क्रंदन कर रहे हैं, किसके लिए क्रंदन कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी, परम गुरु जी, गुरु जी, किसके लिए क्रंदन कर रहे हैं, उस भक्त भागवत के लिए जो उस ग्रंथ भागवत को जीवंत करके दिखला दे, ऐसे भक्त भागवत के लिए क्रंदन कर रहे, ऐसे भक्त भागवत के लिए, ऐसे भक्त भागवतों हमारे गुरु पाद पद्म
हमारे शिला महाराज जी, जिनका जो जीवन चरित्र है इतना विस्तृत, जीवन चरित्र इतना विस्तृत, उनका भजन आदर्श, बस बात यह है निष्कपट होकर अपने हृदय से ये पूछना साधक काल में, साधन काल में निष्कपट होकर अपने चित्त से ये पूछना, यदि मैंने वास्तव में संग किया है, यदि मैंने वास्तव में सेवा की है, कितने परिमाण में उनका भजन आदर्श मेरे जीवन में परिलक्षित हो रहा है, ये विचार करने का दिन उपस्थित हुआ। श्रीला प्रभुपाद जी गुरु वैष्णव की तिथि को जजमेंट डे कहा करते थे, जजमेंट डे। अब हमारा क्या कर्तव्य है, हम तो बस केवल इतना कर रहे हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा है, ए वचन मोर नहे सर्व शास्त्र कहे, भक्ताख्यान सुनी ले कृष्ण पे भक्ति हो। हमारा तो इतना ही कर्तव्य है, सारे शास्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं, भक्ताख्यान सुनी ले, भक्तों की महिमा सुनने से कहने से कृष्ण के प्रति भक्ति होती है। बस इस आशा से कुछ उनकी उनके जीवन चरित्र को, उनके आदर्श को कुछ श्रवण कीर्तन करना, अपने विषय में तो केवल इतना सा ही समझ आता है, इसके अतिरिक्त कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा उनका चरित्र है। अभी पूज्यपाद महाराज जी के मुख से भी हम लोग श्रवण करेंगे। इतना ही शिला महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, मैं अपने हृदय की अवस्था को अपने मुख से यदि बतलाऊंगा उससे बहुत अच्छे से आप मेरे हृदय के अंतर स्थल को भली भांति जानने वाले हैं, तो मैं अपने विषय में क्या निर्णय करूं, मैं पात्र हूं, मैं अपात्र हूं, मैं योग्य हूं, मैं अयोग्य हूं, सब कुछ निर्णय आप ही कर दीजिए दयापूर्वक। इतनी आपके श्री चरणों में प्रार्थना, और केवल निर्णय मत कीजिए, निर्णय करके जो किंचित सा सुयोग आपने प्रदान किया उसी सुयोग को स्थायी रूप में आप प्रदान कर दीजिए उस सेवा को, और उस सेवा सौभाग्य को वरण करने की योग्यता दे दीजिए। इतनी आपके चरणों में विनती है। गौर प्रेमानंदे हम लोगों ने कथा श्रवण की, बात संजय प्रभु जी से उनकी बातें सुनते सुनते कई सारे, क्योंकि समय भले ही थोड़ा ही हो, उन्होंने थोड़ा बोला, बहुत लंबा लंबा नहीं बोला, विशेष विशेष बातों को स्पर्श किया। और अधिकांश हमारे भक्त लोग जो यहाँ पर हैं समझ ही रहे हैं सारी बात को, कि किस प्रकार से गुरुत्वपूर्ण बातों को उन्होंने बताया। कुछ कुछ नए लोग भी हैं जिनके लिए होगा कि ये विषय उनके लिए धारण करना बहुत अलग प्रकार का है। जैसा भी हो, जब उनकी बातें सुन रहा था तो अपने मन में आ रहा था कि क्या शब्द वो बोल रहे थे, कि अपने लिए प्रतिफलन हुआ है गुरुवर्गों के संग का, नहीं हुआ वो देखना जरूरी है। मैं तो अपना देखता हूँ कि जैसे एक बालक बिल्कुल छोटा सा, जिस किसी तरह से माता पिता ही क्या करते हैं उसको जन्म भी दे देते हैं, जन्म दे करके उसको क्या करते हैं उसी की सेवा करनी प्रारंभ करते हैं, बच्चे की सेवा करनी प्रारंभ करते हैं, उसका मल मूत्र साफ करना, उसको खिलाना पिलाना, वस्त्र देना, जो कुछ भी वस्त्र पहनाना सारा कुछ वो करते रहते हैं। बच्चा जो है वो फिर पढ़ने भी लगता है, बड़ा भी हो जाता, काम भी करने लगता है, जैसे जैसे आयु जाती है, तो उस चीज का जो प्रतिफलन जो माता पिता संस्कार देते हैं सेवाएं करते करते, प्यार करते हुए, पालन पोषण करते हुए, कभी केयर करते हैं, कभी लालन करते हैं, कभी पालन करते हैं, कभी ताड़न करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अलग 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 सारी वस्तुएं चलती रहती हैं, किंतु जो उनका माता पिता का जो संस्कार वो प्रतिफलित होता हुआ अलग अलग समय में थोड़ा थोड़ा दिखाई देने पर भी एक लंबे समय में फिर जाकर के क्या दिखाई देता है कि अच्छी तरह से अब पता चलता है कि हाँ, जैसे परम गुरुदेव के लिए कहते थे कि हाँ ये वास्तविक रूप में शिला प्रभुपाद जी के द्वितीय स्वरूप हैं, उसी प्रकार से निर्भीक हैं। तो वो निर्भीकता आते आते वो सारी वस्तुएं
होनहार विरवान के होत चीतने पार, ये भी पता है, किंतु वो भी फिर समय आने पर ही क्या होता है, प्रकटित तो होकर के प्रतिफलित तो होता है, दिखलाई पड़ता है। तो इसीलिए जैसे गुरुदेव की उन्होंने बात बतलाई कि मैं भक्ति का बीज दिया है ना तुम्हारे हृदय में गुरुदेव ने, और वही क्या होगा, प्रतिफलित होगा ही होगा, किंतु समय सापेक्ष है, सबके लिए अलग 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 प्रकार से। किंतु माता पिता जिस प्रकार से बालक को अपने संस्कार देते हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरुवर, हमारे गुरुदेव हों, हमारे महाराज जी हों, ये सभी अपना अपना संग प्रदान करके, सेवा दे करके और आदर्श दिखला करके, पुनः पुनः सुना के, महाराज जी ने कोई बातें कब सुनाई थी, अब जाकर के थोड़ा सा समझने का इच्छा करता है कि वो क्या कह रहे थे। हमारे गुरुदेव एक दिन मथुरा में कह रहे थे कि मेरे को अब, मतलब कि गुरुदेव मान लीजिए अपनी अप्रकट लीला से एक दो वर्ष पहले कह रहे हैं, तो आयु होगी 89 के आसपास। उस समय कह रहे हैं कि मान लो उनका मठवास भी कितना हो गया है, 60, 65 वर्ष, 70 वर्ष जितने भी हुए होंगे। तो कह रहे हैं कि अब मेरे को थोड़ा थोड़ा ये अनुभव होने लगा है कि हमारे गुरु महाराज जी जो हैं उनका आदर्श क्या था, थोड़ा थोड़ा अब अनुभव हो रहा है। यद्यपि उनकी स्थिति बहुत अलग, किंतु हम लोगों के लिए उत्साहमय वाणी भी क्या है, फिर करते 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 कब एक समय में अवश्य ही वो कृपा करेंगे, उनकी वस्तुएं हमारे हृदय में प्रतिफलित तो होंगी, प्रतिफलित तो हों। इसीलिए हम लोग सारे क्या किए, हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके उनके विचारों को, उनके आदर्शों को श्रवण कर रहे हैं। अभी हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी हम लोगों को महाराज जी की कुछ कथा श्रवण करा के कृतार्थ करें, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना। ओम ज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण सब बोलो जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हर का जोर से बोलने लगता है सो गए से, सर्वप्रथम मरी गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री दामोदर महाराज, पद्मनाभ महाराज, श्री माधव प्रिय प्रभु, संजय प्रभु, जीत प्रभु, समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरण में मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है, श्रील भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के जन्म तिथि को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वैष्णव का जो महिमा, इतना वैष्णव का महिमा है, अगर ये जगत इसी जगत अभी भी टिका हुआ तो ये वैष्णव का वजह से ही जगत ये
टिका हुआ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अभनिरस सुन भाई भैया एक मान। कहते पृथ्वी का वास्तव रूप में संपत्ति क्या है, यदि ये वैष्णव का चरण ही वास्तव रूप में अभी पृथ्वी का ये धन है। इसलिए वैष्णव संघ की इतने महिमा बताए गए। इसलिए साधु पावा बड़ कष्ट जीवे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला ने दिया। इसलिए जगत में साधु बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान स्वयं एक साधु का रूप धारण करते हुए कि जगत में साधु का आदर्श कैसे होनी चाहिए, भगवान स्वयं अपना जीवन में ही उदाहरण स्वरूप में रखे हैं। महाप्रभु कहते थे हमें सुनाना तो हमें वैष्णव का चरित्र को बारंबार श्रवण करा, क्योंकि जब हम की कथा सुनते हैं इसलिए माधव प्रभु कह रहे थे ना, बहुत वैष्णव लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताया, शास्त्र तो है, वेद तो पुराण तो है, गीता भागवत तो है, लेकिन अगर उसको आचरण करने वाले नहीं हो तो। इसे भागवत में श्री कपी माता आशा बद्ध सम्मुत कंठा नाम गान सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रतिस्तद वसस्थले। ये जो वैष्णव का नौ लक्षण श्री रूप गोस्वामी बताए, जिनकी आदर्श रूप में दिखता था, जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं उनकी साधना भजन कैसे है, तभी हमारे हृदय में प्रेरणा की स्रोत आता है। अरे वैष्णव को कैसे भजन करते हैं, इतने बजे उठ जाते हैं, जैसे हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हमने देखा भले ही जितने बजे क्यों नहीं सोए, मैंने देखा जन्माष्टमी में महाराज सोते सोते लेकिन सोकर कितना बजे उठ जाते थे महाराज। मैंने महाराज की सेवा की, पास में कभी कभी सोया, देखता था दो ढाई तीन बजे गुरुदेव किसना किस तरह से उठ जाएंगे, जो पास में सोया होगा ना, मैं भी कभी महाराज के पास में सोया, इसको महाराज जी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, गए बात रुकना। अपना हृदय से पुकार पुकार करके बुलाए करते, जैसे हम जैसे किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, और जब तक उनकी 1,00,000 नाम पूरी नहीं हो जाएगा ना, गुरुदेव कोई भजन नहीं करते। कई प्रेमानंद लोग बोलते थे गुरु जी पैसा दो कुछ सब्जी ले आएंगे, गुरुदेव बोलते थे जब तक मैं 1,00,000 माला पूरी नहीं करूंगा कोई पैसा नहीं दूंगा, पहले भजन बाद में, पहले भजन उसके बाद भजन। फिर 9 बजे तो 1,00,000 नाम पूरी करते थे, फिर 3 बार हरिनाम करते थे और कितना, और 1,00,000। अगर हम 16 माला करें ना सवेरे से लेकर शाम तक, हमारी 16-12 भी पूरी नहीं होता है, लेकिन गुरु जी 2-2 लाख हरिनाम करते थे। और क्या उनकी, इतना नहीं, हम जो सुनते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी काला बसान कृतो निद्रा आहार विहार कादि विजितो चतंत दिन तजो, जो 6 गोस्वामी का जो जीवन आदर्श, उनका जो भजन पद्धति हम सुनते हैं, लेकिन ये किसकी जीवन, हम तो सुने हैं लेकिन किसकी जीवन में हम देखते हैं, हमारे सामने जो आचार्य रह रहे हैं, हमारे सामने जो आचार्य है उनकी जीवन जब देखते हैं, अरे गुरु जी ऐसे भजन करते थे, भैया हम तो कम से कम कुछ भजन करें, कुछ ना कुछ तो भजन करें। इसलिए नियम है साधु को संघ की बड़ी जरूरत। इसलिए भागवत में बताए, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। जिस समय वसुदेव महाराज वो यज्ञ कर रहे थे जिसका नाम था विश्व शांति महायज्ञ, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण बलराम स्वयं देवकी वसुदेव हजार हजार पटरानियां, नियम है जब तक यज्ञ की पूर्णा होती नहीं हो बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बीच में नारद जी आ गए वसुदेव महाराज खड़े होकर बोले कोई यज्ञ की जरूरत नहीं, यज्ञ बंद कर। जिसके लिए हमें यज्ञ कर रहे थे वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर आ गए, कोई यज्ञ की कोई जरूरत नहीं, और सारे यज्ञ सामग्री लेकर के श्री नारद जी को पूजा करते हैं और उनके चरण में बैठ करके क्या कहते हैं, बोले एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन सबसे दुर्लभ क्या है, बोले तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम,
कहते भगवत दर्शन को दुर्लभ नहीं बताए थे, भगवत तो खड़े हमारे सामने, अभी प्रभु जी बताते थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, घर घर में तो हमारे ठाकुर जी है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए, वैष्णव संघ क्यों कर रहे हैं, कृष्णा तो यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं हमसे, कौन बात करने वाले हैं, ये वैष्णव लोग गुरुदेव हमें उपदेश देने वाले, इसलिए कहते भगवत दर्शन से भी जो दुर्लभ है वैष्णव प्रिय दर्शन, भगवान की जो वैष्णव दर्शन है, अगर जीवन में वैष्णव दर्शन गुरु जी के दर्शन हो गया तो क्या समझो, बोले भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा धनस्य तहीर अच्युत सत्समागम, सत्समागम जहीर परावरेश जाए कोई रति। जीवन में कब वैष्णव गुरु जी का दर्शन होता है, बोले संसार का सारे दुख कष्ट जब समाप्त तो होने का आता है तभी जीवन में वैष्णव दर्शन, तभी गुरु दर्शन तभी होता है, उसको पहले दर्शन नहीं होता है। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज स्वयं कहते हैं जब इनके घर में चतुसन आए वो क्या कहते हैं, बोले तुलया लब नापी न स्वर्ग न अपुनर भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष। कितने बड़ी बात कहते हैं, कहते एक तरह एक तरफ में कहते स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, कहते एक तराजू का एक तरफ में स्वर्ग से लेकर के मुक्ति सुख तक एक तराजू तरफ में रख लो, लेकिन दूसरे तरफ में एक लव साधु संग रख लो। एक लव कितना होता है, एक सेकंड को 11 भाग का एक लव कहते हैं। अगर इतना समय अगर जीवन में साधु संग हो गया तो कहते भैया जिसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष कभी बराबर नहीं कर सकते हो, स्वर्ग मोक्ष तक भी बराबर नहीं कर सकते। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ टीका में लिखते हैं, भले भैया साधु से ऐसे क्या मिला, तुम कहते स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक भी तू जिसको साथ में बराबर नहीं कर सकते, क्या साधु से हमें मिला, बल्कि तो हम साधु को पास में जाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, प्रणाम भी देते हैं, हम क्या मिला। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, ये भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया, लेकिन ये लता कब होएगी, बीज अब अगर थोड़ी लता हो सकती है, पहले बीज होगा तभी तो लता होगी, लेकिन वो बीज मिलेगा कहाँ से, वो बीज देने वाले कौन है, यदि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, भक्ति का जो बीज देने वाली ये साधु है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे कुछ वृक्ष है, हम गुरु जी को पास में क्यों आए, भाई मंत्र तो शास्त्र में लिखा हुआ, मंत्र तो भागवत में है, वहां पर भगवान का नाम भी है, हम महाराज को पास में क्यों आते, साधु को पास में क्यों आते हैं, भले कारण है जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे कुछ बीज है जो वृक्ष से डायरेक्ट लेकर के बोध होना वो बीज पेड़ नहीं होगा, उसका नियम है, उसका कोई चिड़िया खाए जब उसको गर्भ में जाए, जब वो बीज करता है तभी जाकर के वृक्ष होता है। ऐसे कौन सा वृक्ष है, कहते बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आप कभी नहीं देखो वो पेड़ को नीचे कहीं वृक्ष है, देखना कहीं छत के ऊपर में, कहीं पेड़ के ऊपर में, और कहीं होगा, कभी देखोगे आप लोग देखोगे छत के ऊपर में बरगद पीपल का पेड़ देखेंगे नहीं, आप देखना उसको काट दो दोबारा फिर हो जाता है। कहते वृक्ष बनने के लिए पानी हवा और मिट्टी चाहिए, वहां पर मिट्टी भी नहीं, वहां पर पानी भी नहीं, आप देखोगे कि नहीं पूरा छत को फाड़ देता है। बोले कारण है क्या, बोले कारण है जब किसी चिड़िया के गर्भ में जाता है उसको पेट में ऐसे कुछ रस है जो रस उसको वृक्ष बनाने में मदद करता है। तो उसी तरह जो मंत्र है जब तक हम किसी साधु से ग्रहण नहीं करते हैं तब तक ये मंत्र फलीभूत नहीं करता है, लेकिन जब ये मंत्र किसी साधु से हम लेते हैं भले ही हमारे हृदय कुसर क्यों नहीं हो, हमारे हृदय में कुछ भी कोई क्षेत्र नहीं हो, लेकिन जब हम साधु से वो मंत्र ग्रहण करते हैं ये शुष्क हृदय में भी कृष्ण भक्ति की जो बीज है कौन संचार कर देता है, ये साधु के मुंह से जब भगवान की कथा जब इनकी मंत्र ग्रहण करते हैं हमारे हृदय में भी भक्ति रूपी बीज जागृत हो जाते हैं, हमारे हृदय में भी जागृत हो जाती हैं। इसलिए भागवत में कृष्णा कहते हैं अनुव्रजामि अहम नित्यं भूये एत अग्रि रेणु, भी कृष्ण स्वयं भक्त की महिमा कहते हैं, बोले मैं भी भक्तों को पीछे 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 मैं भी घूमता हूँ, बोले क्यों, बोले उनकी चरण धूलि पाने के लिए,
बोले भक्तों की चरण धूलि पाने के लिए क्यों चाहते हो? बोले पुए ए, बोले पवित्र होने के लिए। कहते क्या आप अपवित्र हो गए हो? कहते भगवान कहते कि आप अपवित्र हो गए हो? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भक्त लोग मेरी सेवा करते हैं, जब सेवा करते हैं मैं चाहता हूँ भैया मेरे से कुछ लो, लेकिन ये भक्त लोग कहते हैं ना धनम ना जनम न सुंदरी वा कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति आई तो दे। भक्त लोग मेरे को धन दौलत कुछ भी नहीं मांगते हैं, कहते यहाँ तक भी ननाथ पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम रसाधिपत्यम, कोई स्वर्ग मोह की कोई सुख को प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे भक्त लोग। मैं सोचता हूँ भैया ये ऋणी से ऋणी कैसे बनूं? बोले अगर उनकी चरण धूलि मिल जाए, कोई भक्त तो चरण धूलि देगा नहीं, इसलिए मैं भक्तों को पीछे पीछे डोलता रहता हूँ। अगर इनकी चरण धूलि पड़ जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, मैं भी पवित्र बन जाऊंगा। तब तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं देखो क्यों हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज हम क्यों वैष्णव तिथि के लिए क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये भगवान को भक्तों की चरण धूलि की क्या जरूरत है? सारा दुनिया जिनके चरण धूलि प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनको भक्तों की चरण धूलि की क्या जरूरत? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते कृष्ण विषय विग्रह है, भक्त आश्रय विग्रह है। भक्त आश्रय विग्रह भगवान की भक्ति करते सेवा करते हैं, जैसे राधा रानी, राधा रानी कृष्ण सेवा करती है, लेकिन कृष्ण को जो आनंद मिलता है ना उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद श्री राधा रानी को मिलता है। कितना गुण मिलता है? करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए कलियुग में महाप्रभु क्यों, कलियुग में राधा जी की भाव अंगकांति लेकर क्यों आए? कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं राधा जी की प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी मेरे पर प्रेम करके मुझे जो आनंद होता है इससे करोड़ों गुण ज्यादा राधा रानी को आनंद होता है, जो आनंद मुझे पता नहीं। लेकिन वो कैसे आस्वादन करते हैं भक्त? बोले भक्ति को द्वारा आस्वादन करते हैं। बोले भैया भक्ति मिलेगी कहाँ से? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीन चीज से भक्ति मिल सकती है, भक्त पद धूलिया, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, तीन यही साधन है। सबसे जल्दी से जल्दी अगर कोई प्रेम देने वाली तीन चीज है, एक भक्तों का चरण धूलि, दूसरा भक्तों का चरणामृत, तीसरा भक्तों का कथामृत प्रसाद अमृत। उसमें एक अमृत बताया भक्तों का चरण धूलि, वो जितने जल्दी भक्ति दे सकता है कोई नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान भक्तों को पीछे पीछे चलते हैं। अगर भक्तों का चरण धूलि मेरे सर पर पड़ेगा तो, क्योंकि भक्तों का चरण धूलि से ही भक्ति मिलेगी, और ये भक्ति के द्वारा ही मेरे अंदर में क्या आनंद है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है, तभी मैं आस्वादन कर पाऊंगा। इसलिए स्वयं परात पर तत्व परम परम कृष्ण भी कलियुग में भक्त भाव अवलंबन करके श्री सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए हम लोग जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं ये भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं। इसलिए भागवत में बताए रहु गणे न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्वाप न गृहत बा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषकम। जब तक किसी महत के चरण की धूलि में हम अभिषिक्त नहीं हो सकते हैं, भले रघुगणी न तपस्या, तपस्या में भी भगवान नहीं मिलेगी, न जाति, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर भी नहीं मिलेगा, है न इज्जत या पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, वेद पढ़ने से नहीं मिलेगा, अग्नि जल की पूजा से नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? भक्तों की चरण की धूल से मिल सकती है। इसलिए आज हम इसी लोभ से आज भक्तों की तिथि में इसलिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए महाराज का चरित्र दिव्य चरित्र है। कहते विशेष करके श्री कुंती माता जी कहती हैं, बोले हे कृष्ण जिसको पास में चार चीज होना, चार चीज नहीं, जिसको पास में केवल एक गुण हो वो तेरा भजन नहीं करेगा। तो क्या किया है? बोले जन्मा ऐश्वर्य सुत श्री भी रेदमान मद पुमान। ये बड़े अहंकार को देने वाले कौन है ये चार चीज?
लेकिन एक गुण रहे तो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम विचार करेंगे ना, हमारे श्री भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज के पास में ये चार के चार ही गुरु परिपूर्ण रूप में था। पहला नंबर जन्म, ये कौन सा कुल में जन्म हुए है अब बताओ तो? ब्राह्मण कुल में, उच्च ब्राह्मण कुल में। और कहां पर जन्म हुई आपको पता है कहां पर जन्म हुई है? कहते वो जहां पर जन्म हुई है पूर्व बंगाल में जन्म हुए ना। ये पूर्व बंगाल क्या है? बोले जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ये संसार से जा रहे थे वहां पर एक नदी है जिसका नाम पद्मा नदी है। बोले नदी मैं तेरे पास में अपना प्रेम तुम्हें तेरे पास में दे करके जा रहा, बाद में एक बहुत बड़ा के महापुरुष आएगा ये प्रेम अब उनको देना। तो वो नदी प्रश्न करती है, बोले प्रभु मेरे को पता किस चलेगा ये महापुरुष है? बोले देखो वो इतने बड़े संत हैं उनके चरण स्पर्श होते ही अपने आप तुम्हारी पानी उफरना शुरू हो जाए, हृदय तुम्हारी प्रेम में गदगद हो जाएगी, समझना वो महापुरुष है। वो कौन थे? श्री नरोत्तम दास ठाकुर जिनको उधर ही जन्म है, पुंडर की विद्यानी थी, महाप्रभु बहुत सारे परिकर उधर जन्म हुए। जिस समय वो पानी उफनी वो वहां के भक्त लोग कहते हैं वो उफरने पर उसी समय में एक हवा की झोंक आई, वो हवा की झोंक जिस तरफ में चला गया है हमारे जितने प्रभुपाद का करी करी मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज अक्सर करके देखोगे सारे गुसार उसी तरफ से आए। पूर्व बंगाल के सब जगह से भक्त नहीं आए, जिधर वो हवा गया तो उधर। इसलिए मानो वो हवा नहीं ये महाप्रभु का प्रेम है, ये महाप्रभु का प्रेम, ये प्रेम जिस तरफ में बहा है ना, कहते हमारी भक्ति विज्ञान श्री भारती गोसाई महाराज उन्होंने उसी तरफ से ही आए और उसी तरफ से ही आए हैं। मानो महाप्रभु का प्रेम ही ये रूप धारण करके आए हैं। इसलिए पहला नंबर जन्म, दूसरा बात में कहते ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य इनका देखो। पहले तो इन्होंने आप लोगों ने श्रवण कर दिया कितने उनकी जीवन साक्षात रूप में ये जीवंत भागवत थे, क्योंकि इनका जो आचरण और जो आचरण आचरण है वो साक्षात जीवंत भागवत है। कहते ग्रंथ भागवत और एक जीवंत भागवत, ये जीवंत भागवत थे। इसलिए पहले तो उन्होंने कठोर साधन भजन किया और गुरु वैष्णव की सेवा हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे कितने उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा को रगड़ करके, मैंने वहां पर स्वयं देखा। रथ यात्रा होता था, मैं भी पुरी में रहता था, रथ यात्रा का समय में उसी मंदिर में सबके सब वैष्णव लोग आते थे, मैं भी जाता था वहां पर। और गुंडीजा मंदिर जब मार्जन करने जाते थे वहीं पर इकट्ठे होते थे और वहीं से ही कीर्तन करते करते जब भक्ति के जब माधव गोस्वामी महाराज दर्शन करना तो सौभाग्य मिला नहीं, महाराज को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनको गाइडेंस में ही हम सबके सब चलते थे, कहाँ पर? गुंडीचा मंदिर में। और वहीं पर महाराज खड़े होकर के ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को पाठ करते थे और जो गुंडीचा मंदिर का तात्पर्य को महाराज जी बताया करते थे, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन है क्या जी, महाप्रभु क्यों भक्तों को लेकर के ये मंदिर में गुंडीचा मार्जन क्या करते थे, जिसको प्रभुपाद का जो टीका है उसको लेकर के ये गुंडीचा मंदिर नहीं, मानो ये राधा रानी का निकुंज मंदिर है जिसमें श्याम सुंदर अभी निकुंज मंदिर में आएंगे लेकिन ये गंधा रहने पर तो नहीं आ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के श्याम सुंदर अपना निकुंज मंदिर में आएंगे, इसलिए वहां पर मंदिर की ये महाप्रभु उसी भाव से सेवा करते थे, हमने देखा है। और वहां पर जो प्रसाद होता था मैं भी गया था रथ यात्रा का दिन, मैं वहां बैठा हुआ था तो आप बता रहे थे ना महाराज जी इनके अंदर में, कहते अयम नीच पर वेद गणना लघु चित साम उदार चरित मना तु वसुधैव कुटुंबम, ये मेरा शिष्य ये तेरा शिष्य वो इसका इसका, कहते किसके हृदय में आता है? जिसका हृदय छोटा है लेकिन उदार चरित मना तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जिसका हृदय उदार है ना पूरा पृथ्वी को वसुधा को अपना एक परिवार मानता है। हमने देखा महाराज जी को, मैंने वहां बैठा हुआ था, बोले वैष्णव लोग प्रसाद पा रहे तो बैठ लो, भेंटी का सब्जी था बोले दो सब वैष्णव को खिलाओ, महाराज स्वयं खड़े होकर के सारे वैष्णव खिलाया करते थे महाराज हैं, खिला करके बाद में जब सारे वैष्णव लोग भोजन कर लेंगे तभी महाराज जाकर भोजन करते थे। वो मंदिर में जाता था तभी महाराज बता रहे थे ना
यदि वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन तुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु केवल दो उपदेश दिया है, वैष्णव का सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम और गोविंद कहे नमः वैष्णव प्राण। इसलिए वैष्णव सेवा में तो बड़ी निष्ठा थी। और जब मैं पुरी में था उस समय प्रभुपाद की जो मंदिर बन रहा था वो पूरा मंदिर बन रहा था, मैं जाता था कभी कभी दर्शन के लिए। महाराज जी खड़े होकर के जो मंदिर बना पुरी में चैतन्य गौड़ीय मठ, महाराज करकर इनका अक्षर करके सारे मंदिर को देखभाल महाराज जी किया है, सारे मंदिर बनाए सब कुछ किया है। इसलिए महाराज खड़े होकर के सारे मिस्त्रियों को लगा लगा करके, और मैंने स्वयं देखा महाराज जैसे रेती होता है ना, महाराज उठा करके भी रखते थे। बोले महाराज आप क्यों कर रहे हो? बोले भैया ये लोग लगा के ज्यादा पैसा लगेगा ना, अगर हम थोड़ा कर लेंगे तो अब पैसा में हो जाएगा जल्दी जल्दी, मतलब सब कुछ रहते हुए भी। लेकिन ये महाराज एक दिलदार जैसे काम करते हैं ना, महाराज उनको सांस में महाराज लग जाते थे, लग कर कहते थे कि कम से कम पैसा खर्चा हो और ज्यादा पैसा गुरु वैष्णव की ज्यादा पैसा नहीं लगे, क्योंकि ये भिक्षा की पैसा है। इसलिए इनका जो पहले तो उन्होंने कठोर साधन भजन किया, लेकिन इनका जो ऐश्वर्य है आप देख लो, अंतिम समय में उन्होंने ये आचार्य जी का काम किया है। पहले उन्होंने आचार्य जी का काम नहीं किया है, पहले तो भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज करते थे, लेकिन जब उन्होंने उधर से आए किसी कारण से आए तभी उन्होंने ये आचार्य जी का काम तभी उन्होंने प्रारंभ किया, पहले नहीं किया है। इसलिए उनको बोले ना जिस समय उनकी भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज को बाद में आचार्य निरूपण करते हैं, कौन आचार्य बनेगा? किसने कहा हमने तीन चार आचार्य को निरूपण किया है, इनको बोले आप ही आचार्य बन जाओ, क्योंकि सर्वगुण संपन्न थे, बोले आप ही आचार्य बन जाओ। लेकिन इनको देखो कितना कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी आचार्य सहित वैष्णव, वैष्णव का गुण क्या बताया, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी, सब चीज को जो छोड़ा है प्रतिष्ठा को। देखो इनके अंदर में आचार्य का सारे गुण था, लेकिन ये गुण रहते हुए भी जब इनको बोले आप आचार्य बनो, बोले नहीं ज्यादा आचार्य होने से शिष्य शिष्य में लड़ाई होगा झगड़ा होगा, इसलिए हम आचार्य बनना नहीं चाहते। और एक बात कहते थे हैं, अभी बता रहे थे ना प्रभु, त्रिनाद अभी सुनी चेन तरर अभी सही सुना और अमानी नाम मान देन कीर्तनीय सदा है। इसलिए वैष्णव का गुण है सचमुच से सर्वगुण होते हुए भी बोले मैं थोड़ी प्रहलाद महाराज हूँ, क्योंकि जब भगवान निष्ठिकदेव बोले क्या बोले प्रहलाद महाराज बर मांगे, बोले बर मांगो, बोले पृथ्वी में जितने सारे लोग का दुख कष्ट को मेरे सर पर दे दो, मैं इनको लेकर के करोड़ों युग तक मैं नरक भोग करूं। लेकिन हे प्रभु आप ये सब जीव का आप उद्धार कर दो, सब जीव का आप उद्धार कर दो। भगवान क्या बोले, मेरा अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अगर तुम्हारी ऐसे इच्छा है ना मैं तुम्हारी इच्छा से एक ब्रह्मांड को मैं उद्धार कर लेता। वो कहते थे मेरे अंदर में वासुदेव विप्र जैसे जैसे उसमें कीड़ा पड़ गए हैं, घाव में कीड़ा पड़ गए, जब निकल निकल कर गिरता था उसको उठा कर उसी में रखते थे। बोले ऐसे दया मेरे हृदय में नहीं, प्रहलाद महाराज जैसे अभी मेरे हृदय में इतने दया नहीं, भैया हम गुरु बनने का लायक नहीं। इसलिए अंदर में सारे गुण रहते हुए भी उन्होंने किसी चीज को भी ग्रहण नहीं किया है, कोई चीज को ग्रहण नहीं किया उन्होंने। लास्ट में जब उन्होंने आचार्य उन्होंने किए काम किए, अब लोग पता होगा ये सब थे, लेकिन उन्होंने कितने काम दिन में उनका नाम इतने उनके शिष्य प्रशिष्य हुए। और जब कार्तिक महीना में जो महाराज जी पाठ करते थे कभी गोपीनाथ भवन में कभी इधर उधर, अब लोग जो हुए गए इतने सारे विश्व ब्रह्मांड के लोग इनके चरण में आकर के इनके चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य केवल श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, वो इतने ज्ञानी थे हमारे गुरुदेव भक्ति पिता थे नारायण गोस्वामी महाराज, वो सोचते थे यहाँ पर प्रधान अतिथि किसको बनाया जाए है, उसमें सभापति किसको बनाया जाए, क्योंकि रूप गोस्वामी तिथि में सारे ब्रजमंडल की मैं ही जाता था निमंत्रण देने के लिए, सब जगह जगह पर मैं ही जाता था, महाराज मेरे को भेजते थे है, मैं जाता था महाराज मेरे को बोलते थे तुम जाकर देखना भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज आए कि नहीं, क्योंकि उनका नाम देना पड़ता था, और मेरे को बोलते थे उनका फोन नंबर हो तो बात करो कहाँ पर है वो आएगी कि नहीं,
उनको सभापति पद में उनको नियुक्त करना, इसलिए मैं पूछ करके उनको सभापति पद में नियुक्त करता था। क्योंकि रूप गोस्वामी का तिथि है, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग जहाँ पर आएंगे, साधारण व्यक्ति तो वहाँ पर कथा करेंगे नहीं, और सभापति पद में साधारण व्यक्ति भी नियुक्त हो ही नहीं सकता है, हैं? इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे उनके ही सभापति पद में नियुक्त करना, और मेरे को निमंत्रण कार्ड भी भेजते थे। वहाँ पर एक महाराज रहते थे ना, क्या है, हाँ पूरी महाराज, वहाँ पर एक पूरी महाराज, मैं जब जाता था निमंत्रण देने के लिए, मेरे ऊपर इतने बिगड़ जाते थे, बोले हमारी यहाँ तिथि नहीं होगी, वहां जाएंगे, मेरे ऊपर भी इतने क्रोध करते, मैं डरता था, मैं छुप छुप करके महाराज जब अकेले होना जा करके निमंत्रण कार्ड देता था, बोले महाराज जी गुरुदेव आपकी याद किए हैं, पहला दिन आप इसमें सभापति पद में आपको ही नियुक्त तो किया है। इसलिए भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ये क्या करते थे, जब इनको पास में कोई कथा सुनने आते थे, जो कथा सुनाते थे, अगर कोई बोलते थे अगर तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा जानने की इच्छा है, इसको पास में भेजते थे, बोले जाओ भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज को पास में जाओ, ज्यादा जानना तो तुम उनको पास में जा करके तुम पूछा करो, मतलब इनके अंदर में ऐसे ज्ञान, और आप लोगों ने सुने जैसे हरि कथा प्रभु ने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ भी प्रभु ने निकाला है, आप लोग पढ़िएगा, और उनका जो माधव गोस्वामी महाराज का जो चरित्र उन्होंने बोले, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत बोले श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता, आप लोग देख रहे महाराज देखने में कैसे बता रहे थे ना, देखो कैसे महापुरुष जैसे, इनका रंग देखो कितने सुंदर इनका रंग है, जैसे माना राधा रानी का जैसे हैं, राधा रानी की जैसे कलर, इनका कलर देखो जैसे हल्दी में, जैसे दूध में जैसे हल्दी और सिंदूर मिला तो जैसे रंग है ना, महाराज का रंग देव कितने सुंदर है, और कितने अब लोगों ने देखे, कौन कौन देखे महाराज जी को, हम देखे ना महाराज देखने में कितने लंबे चौड़े, महाराज जी देखने में कितने सुंदर थे महाराज। इसलिए मैया कुंती कहती है जिनको अंदर में चार गुण की बात छोड़ दो, जिसको अंदर में एक गुण आ जाए ना, कहते भगवान की भक्ति नहीं करेगा, लेकिन ये महापुरुष के अंदर में ये चार के चार गुण रहते हुए भी ये जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय भक्त, भगवान की अत्यंत अत्यंत ये शुद्ध भक्त है, तभी ये सब गुण रहते हुए भी उन्होंने भगवान की भजन किए है। बोले श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। और आप लोग और इनके अंदर में जो भगवान कहते हैं वैष्णव का 26 गुण है, 26 गुण का जो पहला गुण है बोले तितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। साधु का जो लक्षण बताया, सर्वप्रथम उनके लक्षण बताया तितिक सब, हाँ देखो साधु का पहला लक्षण होना चाहिए सहन शक्ति, ये सबसे पहला लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद भी अंतिम समय में यही बोल करके गए, सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना। लेकिन आश्चर्य की बात क्या जानते हो, अगर गुरु वैष्णव थोड़ी सी कोई शासन करते ना, बोले हम क्या साधारण घर से आए, अरे हम हमारे बहुत बड़े घर से आए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, रखो अपना माला झोली रखो हम जा रहा हूं, थोड़ी सी अगर कोई बात कर ले हमारे अंदर में को। लेकिन आश्चर्य की बात है संसार में देखना, स्त्री की भी डंडा पड़ती, पति का भी डंडा पड़ता है, सास ससुर का डंडा, बच्चे का डंडा, किसका झाड़ू व्यक्ति नहीं खाते बताओ, सारी संसार की सेवा करो, सबको शासन स्वीकार करो, लेकिन तब भी उनको पीछे दिन भर हम भटकते रहते, दिन भर उनको सेवा में लगे हुए। लेकिन अगर गुरु वैष्णव थोड़ी सी कुछ बोल दिया ना, भले ही कुछ नहीं छोड़े अपना माला झोली देकर के हम जा रहे हैं। लेकिन ये महापुरुष के अंदर में आप लोग सुने होंगे इनके अंदर में कैसे सहन शक्ति थी, सुन रहे थे ना, किसने इन्होंने दोष नहीं किया, इन्होंने दोष किसने किया, लेकिन इनको पर दोष लगा दिए, इनको पर दोष लगा दिए, जब इनको बोले आपने सुन कैसे लिया, दोष को आपने सुन कैसे लिया, लेकिन हमने क्या उत्तर देते हैं, अगर कोई वैष्णव अगर मेरे को दोष दे करके अगर उसको माफी मिलता है कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, मतलब इनके अंदर में तभी तो उन्होंने देखो मठवा प्रभुपाद यही कहते हैं मठवासियों का सहन करना एक विशेष गुण है,
इसलिए हिंदी में कहते जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए इन्होंने जो आदर्श रूप में दिखाया, मठ में बास तभी कर सकते हो, कहते पतला पतला डाल और वैष्णव का काल, पतली पतली डाल और वैष्णव का काल, समझ रहे हो, वैष्णव का गाली और पतला पतला डाल और कर खा कर रह सकते हो, फिर तो मठवास कर सकते हो। इसलिए इनकी ये महापुरुष के अंदर में ये गुण थी, तभी उन्होंने जिंदगी भर गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। क्योंकि जब कोई प्रभु की भक्ति करने के लिए आए ना, स्वर्ग का साधारण व्यक्ति तो विरोध छोड़ दो, स्वर्ग के देवता लोग भी उसको पीछे पड़ जाते हैं। बोले क्यों? बोले भक्ति करते हुए गोलोक वृंदावन जाएगा कैसे, हम स्वर्ग में रह रहे, हमारे सर पर प्यार रख करके गोलोक वृंदावन जाएगा, वो भी उनके टांग पकड़ कर खींचना शुरू करते हैं। भैया सहन करना ही महापुरुष से, सहन करना अगर आप सीख गए ना, मेरे गुरुजी कहते थे किसी ना किसी तरह से गुरु वैष्णव का गाली गलौज सुनकर गुरुदेव वाणी है, एक जीवन किसी तरह से मठवास में बिता मेरे गुरुजी का एक जीवन। बोले क्यों? मेरे गुरुजी कहते थे हमने स्वयं प्रभुपाद को नहीं, राधारण के नयन मणि में जाए, वो गुरुदेव कहते थे यही से एक महापुरुष की शरण में हम आए, लेकिन जब प्रभुपाद चले गए पता नहीं कहाँ आंधी तूफान आया, कौन कौन इधर उधर बिखर गए, गुरुदेव कहते थे। लेकिन जब तक संस्कार नहीं होना, जैसे मठ रहो, रोज मंगलारती में उठो, तिलक लगाओ, हरि कथा सुनो, कीर्तन में बैठो, मतलब ये कितने बड़ी चीज है पता चलता है, कुछ नहीं, नहीं बहुत बड़ी चीज है। हमारे अंदर में एक संस्कार पड़ रहा है। गुरु जी कहते थे भैया जब तक संस्कार नहीं होना भजन कर ही नहीं सकते हो, पहले संस्कार बनाओ। किसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जी हमको ब्रह्मचारी चला गया, प्रभुपाद कहते हैं जो तो गया ही गया, अभी जो टिक रहा है मैं सोच रहा है अभी तो कैसे मंदिर में है, मतलब अभी तक वो कैसे मंदिर में टिक रहा है, मतलब है रूप गोस्वामी कहते भक्ति सुदुर्लभ है, सचमुच से भक्ति इतने सहज वस्तु नहीं। इसलिए आज ये महापुरुष के चरण में हम प्रार्थना करते हैं, आप जैसे गुरु वैष्णव का शासन सह करके अपने एक जीवन गुरु वैष्णव के चरण की सेवा करते हुए बिताए, हम सभी को ऊपर में एक ही आशीर्वाद दो। मेरे गुरु जी कहते एक जीवन कैसे हमारे मठ में किसी ना किसी तरह से मठ में जैसे बीत जाए, बीत गया तो गुरु जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दीन दीन बढ़त सबाए, भक्ति अगले जीवन में बढ़कर के प्रकट होती है, घट करके नहीं, घट करके नहीं, बढ़कर के भक्ति प्रकट होती है। ये महापुरुष सबको ऊपर यही आशीर्वाद करे, हम किसना तरह से ये भक्ति जगत में एक जीवन टिक करके रहे, जो गृहस्थ में तो गृहस्थ में रहो और जो ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी बन करके एक जीवन किस तरह से मंदिर में हम बिता दे, यही हमारे लिए मिल सकता है, यही हमारे लिए बहुत ही हो जाएगी। इसलिए हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को यही विश्राम देता हूँ। भले बादशाह कल वैष्णव नमो नमः। अभी हम लोग श्री महाराज जी के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमारे श्रीपाद श्रीधर महाराज जी, श्रीपाद दामोदर महाराज जी इत्यादि और श्रीपाद कल्पना महाराज जी सभी लोग अभी आरती कर देंगे। आप लोग आरती जितना जल्दी हो सारी व्यवस्था कर दो, और थोड़ा सा देरी अवश्य ही हुआ है, और किंतु जिस जिस प्रकार की कथाएं हम लोगों ने आज श्रवण की एक के पश्चात एक, बहुत सारे जो है हम लोगों को गुरु वैष्णव की वाणी के हम लोगों को रत्न प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हम लोग इन सभी भक्तों के जिन्होंने हम लोगों को इस प्रकार से कृतार्थ किया उनके चरण कमलों में हम लोग प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्त लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना सारा समय दिया, शांतिपूर्वक बैठ करके कथा इत्यादि श्रवण की, इसलिए आप सभी के चरणों में भी पुनः पुनः प्रणाम है। महाराज जी हम लोगों की छोटी छोटी जो अभी
बालवत जो क्रियाएं हैं और खेल खेल में हम लोग जो कुछ उनकी तिथि के दिन में कर पा रहे हैं इसी से हमारे प्रति प्रसन्न हो, यही उनके श्री चरण कमलों में हमारा निवेदन है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।